नमस्कार, जबलपुर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। जेडीए की योजनाओं में खाली मकान, प्लॉट और दुकानों के लिए 3 दिवसीय प्रॉपर्टी विक्रय मेला आज से शुरू होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजराती भवन सिविक सेंटर में लगने वाला यह मेला सुबह से शाम तक के लिए रहेगा। शहर से करीब 14 किलोमीटर दूर बरेला में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने 5 लोगों को रौंद दिया। बुधवार सुबह हुए हादसे में ट्रक पहले पानी के टैंकर से टकराया और फिर अनियंत्रित होकर 6 दुकानों में घुस गया। इसमें स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई घायल हो गए जिसमें 4 गंभीर हैं। मेडिकल अस्पताल में मरीजों को दवाएं ही नहीं मिल रही है। इसकी वजह यह है कि लोकल परचेसिंग में सप्लायर को जिन दवाओं को सप्लाई करने कहा जा रहा है उनके बदले वह दूसरी दवाएं सप्लाई कर रहा है। इसकी शिकायत नर्सों ने अधीक्षक से की है। देश भर में सैकड़ों फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हैं। राज्यसभा में लॉ एंड जस्टिस एंड कॉर्पोरेट राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने यह जानकारी पेश की है। इसी आधार पर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉक्टर पीजी नाज पांडे और सदस्यों ने उचित कार्रवाई की मांग की है। मंच ने राज्य मंत्री को पत्र लिखकर विशेष जांच समिति बनाकर ऐसी फर्जी सीए के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। स्वामी रामचंद्र दास जी शास्त्री की स्मृति में गुरुवार को नरसिंह मंदिर परिसर शास्त्री ब्रिज में विशाल नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में जांच और उपचार के साथ दवाओं का भी निःशुल्क वितरण किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। जैनावंत सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जैनावंत सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।